हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 8 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स एडवर्टाइज सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के पहले आर्टिकल की तरफ। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेके। तो वो कंटेक्स्ट ये है कि अभी कल ही प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट है, घोषणा की कि जो सवर्ण क्लास यानी कि हम बात करें जनरल क्लास के लिए जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट है, वो किया गया है। तो इसमें प्रावधान ही किया गया है कि जनरल क्लास के अंदर जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं उनको 10% आरक्षण है वो दिया गया है। तो देखो, पहले आपको पता है आरक्षण कितना था। पहले ओबीसी के लिए एक आरक्षण था, वो था यहाँ पे हम बात करें 27%, और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब थी उनके लिए आरक्षण था 22%। तो यानी पहले टोटल आरक्षण था वो था 49%, और 51% था वो था जनरल के लिए टोटल। अब उसमें से क्या किया गया है, यहाँ पे हम बात करें कि जो 51 था ना, इसमें से 10% आरक्षण है वो एक्चुअली जनरल क्लास में जो इकोनॉमिकली वीक है उनको दिया गया है अभी। तो उसकी घोषणा की गई है। इसके लिए क्राइटेरिया देखो ये रखा गया है कि वो लोग जिनकी ईयरली इनकम हो 8 लाख से कम हो, इसी के साथ जिनकी जमीन है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, और जैसे कि यहाँ पे और एक क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर वो किसी कस्बे में रह रहे हैं तो उनकी 1000 स्क्वायर फीट है इससे कम के एरिया में उनका मकान या प्लॉट वगैरह होना चाहिए। इसी के साथ अगर शहर में रह रहे हैं तो उनका 100 वर्ग गज से कम का मकान है वो होगा, तो उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में काउंट किया जाएगा और उनको रिजर्वेशन का लाभ है वो मिलेगा। इसी के साथ हम बात करेंगे कौन से आर्टिकल को यह इफेक्ट है वो करेगा, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यह जो हमारे संविधान के जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट के 15 और 16 है, उसमें यहाँ पे संशोधन है, अमेंडमेंट है, वो किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इश्यू है। इश्यू यह है कि अगर हम बात करें आरक्षण की, तो आरक्षण टोटल हो गया यहाँ पे 59%, जबकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा एट एनी कॉस्ट नहीं हो सकता, मतलब कि मैक्सिमम आरक्षण है वो 50% तक ही हो सकता है, जबकि अब क्या हुआ है आरक्षण है वो 59% तक पहुँच चुका है। तो इसको लेके अब भी काफ़ी बड़ी कॉन्ट्रावर्सी है, वो भी स्टार्ट हो गई है इसी के साथ। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। जैसा देखो आपको पता है कि तमिलनाडु है वही एक इंडिया में ऐसा स्टेट है जिसने 69% रिजर्वेशन है वो अलाउ कर रखा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1993 से पहले ही तमिलनाडु ने ये रूल है या 69% रिजर्वेशन है वो डिवाइड कर दिया था। और आपको पता है 1993 में जब ये हुआ था तमिलनाडु का केस, इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन निर्णय लिया था कि भाई कोई भी स्टेट है वो मतलब 50% ज़्यादा रिजर्वेशन है वो नहीं कर सकता, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो। तो इसके लिए एक तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है इंडिया में जो कि 69% रिजर्वेशन दे रहा है, बाकी किसी भी स्टेट में 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और इसके लिए हम बात करें तो देखो 9th शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु ने अमेंडमेंट किया था वहाँ के जो रिजर्वेशन एक्ट है उसमें, और फिर उसको 9th शेड्यूल में रख दिया था। और ऐसे हम जानते हैं कि पहले क्या प्रावधान था 1993 से पहले कि अगर 9th शेड्यूल में जो भी टॉपिक डाल दिए जाते हैं उनके ऊपर कोई भी जुडिशरी है वो मतलब उनका रिव्यू वगैरह नहीं कर सकती, उनको चेंज वगैरह नहीं किया जा सकता। तो इसलिए तमिलनाडु में आरक्षण 69% रह गया था और ये इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखो जब इंदिरा साहनी केस आया था तो उसमें ये प्रावधान किया गया था कि एजुकेशनल और जो लेजिस्लेटिव सीट वगैरह है तो उसमें कोई भी कम्युनिटी हो उसको 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो अभी ये मामला देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाता है क्या इसका सोल्यूशन है वो होगा। तो ये कुछ फैक्ट है जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि जैसा देखो हमने डिस्कस भी किया था कुछ टाइम पहले कि इस बार प्रयाग में प्रयागराज के अंदर हम बात करें कि कुंभा मेला है वो आयोजित किया जा रहा है, मतलब कि महाकुंभा। तो इसलिए नॉर्थ सेंट्रल जो रेलवे है ना उसने एक रेल कुंभ सेवा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च है वो किया है। और ये काम क्या करेगा, ये काम ये करेगा कि जो भी लोग इस कुंभ के मेले में जाएंगे तो उनको रेल वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन, जो स्पेशल ट्रेन है उनके बारे में नेविगेशन वगैरह कि किस किस तरीके से किस किस रास्ते से वो जा सकते हैं, टिकट वगैरह जनरेट करनी हो, ये सारी बेसिक फैसिलिटी उनको इस एप्लीकेशन के थ्रू मिलेंगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि है मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो मेले की स्पेशल ट्रेन है किस रूट से जा रही है, ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन, नेविगेशन रूट वगैरह हुआ, इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है यूजर के लिए, खाना वगैरह कहाँ मिलेगा, क्या रेट वगैरह, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे एक्सेप्ट की जा रही हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू की जाएंगी। एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि कुंभ का मेला है वो हर 3 साल में एक जगह आयोजित होता है और महाकुंभ है वो 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो कौन कौन सी 4 जगह हैं, वो हैं इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इन 4 जगहों में ये आयोजित है वो किया जाता है। अब हम कुछ और फैक्ट देखते हैं। जैसा देखो मैंने आपको बताया था कि महाकुंभ है वो तो होता है 12 साल में और जो अर्धकुंभ होता है वो होता है यहाँ पे 6 साल में। तो ये ध्यान में रखना कि अर्धकुंभ तो हो गया 6 साल में और जो हम बात करें महाकुंभ की वो हो गया 12 साल में, और जो नॉर्मल कुंभ का मेला होता है वो हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। तो 4 जगह तो हर साल 3-3 साल के हिसाब से 12 साल में महाकुंभ आयोजित
होता है। तो इस बार का जो महाकुंभ है वो बेसिकली प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है, जो कि 144 वर्षों बाद मनाया जा रहा है। तो ये कुछ फेक ध्यान में रखने कि इस बार जो प्रयागराज में महाकुंभ मनाया जा रहा है 144 वर्षों के बाद मनाया जा रहा है। तो ये कुछ फेक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है कि जो SSC है उसको भी स्टेचुरी बॉडी या स्टेचुरी का दर्जा देने के लिए बात है कि एक अध्यक्षता कमेटी है वो बनाई गई है। तो कंटेक्स्ट यह कि भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जिसका एक प्रपोजल है कि भाई जो SSC है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसको एक्चुअली यहाँ पे हम एक स्टेचुरी बॉडी का दर्जा है वो दे सकें। तो हम कुछ इसके इफेक्ट है वो देखते हैं। तो अभी पार्लियामेंट की एक परमानेंट कमेटी थी, उसने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको लेके प्रस्ताव है वो भेजा है। अब देखो कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। देखो इंडिया में जो ए लेवल की जो जॉब होती हैं, ए ग्रेड की जो जॉब होती हैं, वो तो क्रिएट की जाती हैं UPSC के द्वारा। मतलब उन जॉब के बारे में जो कोई भी डिसीजन वगैरह लेना हो या जॉब क्रिएट करनी हो, सारा काम हो किया जाता है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। इसके साथ ही स्टेट के अंदर जॉब का काम हो किया जाता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। और आपको पता है कि ये दोनों ही स्टेचुरी बॉडी हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इनको दोनों को दर्जा भी दिया गया है। बट यहाँ पे बात की जाए SSC की, देखो SSC इंडिया के अंदर जो ए ग्रेड के अलावा जो पोस्ट होती हैं B.C. या जो नीचे की पोस्ट होगी उन सब की अपॉइंटमेंट या सॉरी उन सब की जो वैकेंसीज है वो सारी SSC के द्वारा ही की जाती हैं। तो इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे इसके द्वारा काम किया जाता है, जबकि इसको अभी तक कोई भी एक ऑथोराइज्ड दर्जा है वो नहीं प्रोवाइड करवाया गया है। इसीलिए इसको अभी स्टेचुरी बॉडी दर्जा देने के लिए न्यूज़ है वो आई है। तो एक कमेटी ध्यान रखनी है आपको कि भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो कि SSC को स्टेचुरी बॉडी बनाने के लिए फोकस है वो कर रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है प्रमोशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज फॉर इनोवेटिव ड्रग्स। कंटेक्स्ट यह है कि देखो गवर्नमेंट ने जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, भारतीय कंपनीज हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उनको अभी इंडिया में आमंत्रित किया कि भाई वो अपने नए जो ड्रग्स हैं इनोवेटिव ड्रग्स हैं वो इंडिया में लेके आ सकें। और इसके लिए प्रावधान ये किया है कि उन कंपनीज को जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जो कि नई ड्रग्स लेके आएंगी उनको 5 साल के लिए कोई भी प्राइस वगैरह पे मतलब उनका कंट्रोल वगैरह नहीं रखा जाएगा, मतलब गवर्नमेंट उनकी प्राइस में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब ऐसा डिसीजन इसलिए किया गया कि देखो हमारे देश में क्या कि काफ़ी सारी डिजीज़ की जो दवाइयाँ हैं वो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं और वो काफ़ी महंगी पड़ जाती हैं क्योंकि गवर्नमेंट उन पर एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगा देती है। तो इसलिए हमारे देश में हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि भाई बाहर की कंपनी जो नई ड्रग्स वगैरह लेके आएंगी उनको 5 साल तक के लिए कोई भी प्राइस वगैरह मतलब उनकी चेंज वगैरह नहीं की जाएगी, उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अब हम बात करें हमारे देश में जो भी मेडिसिन की रेगुलेशन है ड्रग्स वगैरह को लेके, वो काम किया जाता है ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा। तो ये ध्यान में रखना है कि ये क्या काम करता है, ये बेसिकली जो भी ड्रग्स हैं इनकी प्राइस वगैरह को रेगुलेट है वो करता है, वो ये ध्यान रखना है। बाकी देखो जो आर्टिकल है एक्ट वगैरह ये तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें उन दवाओं को भी शामिल किया गया जो कि दुर्लभ चिकित्सा स्थितियों में काउंट है वो की जाती हैं। देखो एक रेयर डिजीज वर्ड आया है यहाँ पे दुर्लभ चिकित्सा। रेयर डिजीज का मतलब होता है कि वो डिजीज जो कि काफ़ी कम लोगों में होती है, जैसे कि हर कंट्रीज में इसका क्राइटेरिया वैसे अलग अलग होता है। जैसे कहीं पर तो ये होता है कि 2000 में से कहीं एक लोग को अगर वो डिजीज हो रही है तो वो रेयर डिजीज है। तो इंडिया में भी इसका क्राइटेरिया कुछ अलग रखा गया है, तो वो हमें ध्यान रखना है। रेयर डिजीज वो होती है वो डिजीज जो कि काफ़ी कम लोगों को ही होती है। अब देखो उसके लिए दवाइयाँ अगर जनरेट की जाती है तो काफ़ी कॉस्टली होती हैं और वो दवाइयाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी कम जगह मिलती हैं। तो उस एरिया में काफ़ी हेल्प मिलेगा कि अगर इंडिया में किसी भी पर्सन को ऐसी कोई रेयर डिजीज हो रही है तो वो एक्चुअली बहुराष्ट्रीय कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू दवाइयाँ ले सकता है सस्ते में। अब हम बात करें नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये देखो एक गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो कि काम क्या है, इसका काम यह कि हमारे देश में जो भी फार्मास्यूटिकल की दवाई है मेडिसिन वगैरह हैं उनकी जो प्राइस वगैरह है वो इसके द्वारा रेगुलेट की जाती है और इसको बनाया गया था 1997 में। तो यह ध्यान में रखना है कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है वो एक हमारे देश में रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम है जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की दवाओं को रेगुलेट करना उनकी प्राइस वगैरह को। इसी के साथ एक कंटेक्स्ट और यह छोटा सा वो ये है कि हमारे देश में गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि अगर किसी भी पर्सन को एक रेयर डिजीज होती है वन टाइम, ध्यान रखना अगर किसी भी पर्सन को वन टाइम रेयर डिजीज हो रही है तो उसको एक बार गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड है वो करवाया जाएगा, मतलब उसका जो सही होने का खर्चा है गवर्नमेंट के द्वारा वहन किया जाएगा अगर एक बार हो रही है। तो ये ध्यान रखना केवल वन टाइम के लिए, मतलब एक ही बार फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो दी जाएगी और ये काम किया जाएगा यहाँ पे राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत। तो यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है कि एक बार किसी को भी रेयरेस्ट डिजीज होती है तो उस कंडीशन को फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो दी जाएगी ताकि वो अपनी बीमारी को ठीक करवा सके। तो ये इसका आर्टिकल का हम यूज है वो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल।
नेक्स्ट आर्टिकल है असम अकॉर्ड को लेके। देखो असम अकॉर्ड है वो हुआ था 1985 में, किस चीज के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट के बीच में। देखो उस टाइम पे मुद्दा ये था कि देखो आसाम के अंदर काफी लोग रिफ्यूजी या काफी शरणार्थी आ रहे थे वेस्ट बंगाल से, हम बात करें बांग्लादेश से या फिर म्यांमार से, मैक्सिमम जो रिफ्यूजी आ रहे थे वो आ रहे थे उस टाइम पे बांग्लादेश से। तो इसलिए उन जो विदेशी लोग थे उनसे निपटने के लिए असम अकॉर्ड है वो किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और असम के बीच में। तो अभी इसी को लेकर काफ़ी बड़ा मुद्दा वो बना हुआ था कि भाई जो रिफ्यूजी आए हैं उनको वापस भेजा जा सके और जो वहाँ के लोग हैं उनको नागरिकता है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। इसीलिए आपको पता है कि इस बार पूरे साल न्यूज़ में भी रहा था एनआरसी का मुद्दा, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो एनआरसी का मुद्दा भी किसी से रिलेटेड है कि जो अवैध प्रवासी घुस गए थे असम में उनको बाहर निकाला जाए और जो वहाँ के रियल लोग हैं उन्हीं को वहाँ की नागरिकता रखी जा सके। और असम अकॉर्ड के तहत ये प्रावधान किया गया था कि वो लोग जो 1 जनवरी 1966 से पहले असम आ गए थे, चाहे बाहर से आए हो कहीं से भी, वो तो एक्चुअली वहाँ के नागरिक होंगे। और उसके बाद कोई भी आया, मतलब 1 जनवरी 1966 के बाद कोई भी असम में गया है या वहाँ रहने लगा है तो उसको असम की नागरिक, इंडिया की नागरिकता, असम की नागरिकता वो नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यह कुछ फैक्ट यहाँ पे ध्यान में हमें रखना है। इसी के साथ कुछ ये फैक्ट रखा गया था कि 1 जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च 1971 के बीच में जो भी लोग आए हैं उनको फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत उनको कुछ लिमिटेड वहाँ पे फीचर्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये यहाँ पे छोटा सा फैक्ट हमें ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा और अलग पॉइंट और आता है, वो हम देखते हैं। देखो असम में एक ट्राइब है जिसका नाम है बोडो ट्राइब, या जो असमिया ट्राइब के नाम से भी जाना जाते हैं। जो बोडो ट्राइब है वो हम बात करें जो पूर्वोत्तर स्टेट है उसके आसाम राज्य में मेनली मतलब असम में ही रहती हैं और उनको भारतीय संविधान की 6th अनुसूची यानी 6th शेड्यूल के अंदर एक महत्वपूर्ण ट्राइब है वो माना गया। तो यह चीज़ हमें ध्यान में रखने की, भाई उनको 6th शेड्यूल में रिकॉग्नाइज है वो किया गया है बोडो ट्राइब को। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें एक ये है कि जो बोडो ट्राइब बना इसका एक ग्रुप था जिसका नाम है यहाँ पे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। ये था ना नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, इसको इंडिया में बैन है वो किया गया संगठन को। क्यों? क्योंकि यह काफ़ी इलीगल एक्टिविटी चला रहा था इंडिया में देश के खिलाफ, इसलिए इसको बैन कर दिया गया था। और ये एक अलग राज्य की मांग है वो कर रहा था, अलग से देश की मांग भी इनके द्वारा बार बार की जा रही थी। तो इसीलिए ध्यान में रखना कि असम के अंदर जो बोडो ट्राइब थी उसका जो ग्रुप है जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, इसको इंडिया में बैन है वो किया गया इस ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये छोटा सा फैक्ट था। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आजकल काफी न्यूज में है अल्टीमा थुले को लेके। तो देखो यूपीएससी पूछ सकती है अल्टीमा थुले है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि यह है क्या। देखो कूपलर जो बेल्ट है इसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो कूपलर बेल्ट में एक ऑब्जेक्ट है, हम एक तरीके सीधी सी लैंग्वेज में बोलें तो जैसे ये हो गया मान लो हमारा कूपलर बेल्ट। अब इस कूपलर बेल्ट में एक पिंड है वो घूम रहा है और उस पिंड का नाम है अल्टीमा थुले। तो अभी कंटेक्स्ट यह था कि जो अल्टीमा थुले जो पिंड घूम रहा है ना कूपलर बेल्ट में, इसके पास से हबल टेलीस्कोप है वो गुजरा था। तो उसको लेके अभी न्यूज़ है वो आई है। तो हबल टेलीस्कोप है वो यूएसए का है जो कि कूपलर बेल्ट की स्टडी करने के लिए भेजा गया था। तो अभी वहाँ में जो अल्टीमा थुले जो पिंड था जो कि कूपलर बेल्ट में घूम रहा था उसके पास से यह गुजरा था। और ये ध्यान रखना कि जो अल्टीमा थुले है वो अभी तक ज्ञात है, मतलब अभी तक जिसका पता है वो अर्थ से सबसे दूर एक पिंड है या सबसे दूर एक बोल सकते हैं कि एक तरीके का मतलब एक पॉइंट रखा गया है, हम एक तरीके से इसको कह सकते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे और इम्पोर्टेंट क्या है कि नासा का न्यू होराइजन मिशन, देखो नासा का जो न्यू होराइजन मिशन है उसका काम यही है कि कूपलर बेल्ट की स्टडी करनी है। और देखो ये जो अल्टीमा थुले है इस पर पूरी बर्फ जमी हुई है क्योंकि कूपलर बेल्ट आपको पता है कि एकदम सोलर सिस्टम के बाहर की साइड है। तो इसलिए हमें छोटा सा फैक्ट और इम्पोर्टेंट हो गया। अब चलते हैं हम आज के कुछ क्वेश्चन की तरफ। देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है नेशनल डाटा रिपोजिटरी के बारे में। दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ये है कि है भारतीय औषधि घाटी यानी सेडिमेंट्री बेसन में अन्वेषण और उत्पादन के आंकड़ों को संग्रहित करता है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। तो अब आप देखिए कि नेशनल डाटा रिपोजिटरी के बारे में, देखो मैं आपको बता दूं पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में आप स्टडी करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेशनल डाटा रिपोजिटरी है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है वो आती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये ऑप्शन तो गलत है, अब आपको बताना कि रियल कौन सी मिनिस्ट्री है। यहाँ पे इसका आंसर वो ऑप्शन ए ही सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेशनल डाटा रिपोजिटरी कौन सी मिनिस्ट्री के देखरेख के अंदर आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया है डिफेंस परचेज प्रोसेस के बारे में, DPP 2016 के बारे में। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं,
पहला स्टेटमेंट यह है कि इसने एक नई खरीद वर्ग स्वदेशी डिजाइन के विकास और निर्माण की शुरुआत की है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, फोकस करता है। आपको बताना कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हेल्प को लेके। हेल्प का मतलब है हाइड्रोकार्बन इन्वेस्टमेंट लाइसेंसिंग पॉलिसी, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि यह हाइड्रोकार्बन के सभी रूपों की खोज और उत्पादन हेतु एक समान लाइसेंस प्रदान करती है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि यह नीति प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर आधारित है। देखो यह न्यूज़ में भी आया था कल, न्यूज़ में इसलिए आया था कि गवर्नमेंट ने अभी जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी है इसके तहत कुछ माइनिंग है उनकी भी एक तरीके से बोली है, वो लगाने की बात है वो की है। तो कंटेक्स्ट कुछ वो इम्पोर्टेंट नहीं था, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हेल्प, तो उसी को लेकर हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो हेल्प की हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। हेल्प पॉलिसी में ये बात की गई है कि जैसे ये मान लो एरिया है और इस एरिया में यहाँ पे तेल खोया, मतलब तेल पाया गया है, और इसी के साथ इस एरिया में यहाँ पे ही आपको पता है कि गैस भी पाई गई है और भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाया गया, तो मतलब क्या हुआ कि एक ही एरिया में काफ़ी सारी चीज़ें पाई गई हैं। अब देखो अगर गवर्नमेंट इन अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कंपनी को लाइसेंस, जैसे मान लो कि तेल के लिए तो उसने रिलायंस को लाइसेंस दे दिया और गैस के लिए उसने मान लो एयरटेल को दे दिया फिर किसी और को दे दिया, तो क्या होगा इन कंपनीज के बीच में आपस में लड़ाई होगी। वो तो बोलेगी भाई ये मेरे एरिया में आएगा, ये ज़मीन ये मेरे हिस्से में आएगी, तो उसको लेकर लड़ाई हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने ये किया कि भाई एक एरिया के अंदर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है उसका लाइसेंस एक को दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे तीनों चीज़ें तो एक ही कंपनी को लाइसेंस दिया जाएगा, चाहे रिलायंस लो चाहे एयरटेल या जो भी हो। तो इससे होगा क्या, आपस में लड़ाई नहीं होगी और जो उत्पादन है वो प्रोडक्शन वो सही ढंग से हो पाएगा। अदरवाइज एक दूसरे पर आरोप लगाती रहेंगी, एक कंपनी कहेगी नहीं भाई हमें तो एरिया नहीं मिल रहा, हम तो रिसर्च से होकर नहीं पा रहे हैं, हम तो यहाँ पे जो ड्रिल वगैरह वो नहीं कर पा रहे हैं वगैरह वगैरह इश्यूज हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत इसलिए है कि जो हाइड्रोकार्बन इन्वेस्टमेंट लाइसेंसिंग पॉलिसी है इसमें ये प्रावधान किया गया था कि रिवेन्यू शेयरिंग का मतलब ये है कि पहले दिन जितना का आपने बेचा है उसका हिस्सा गवर्नमेंट को पे करना होगा, मतलब रिवेन्यू जितना हो रहा है उसका हिस्सा देना है, प्रॉफिट का कोई लेन देन नहीं है, प्रॉफिट चाहे आपको हो या नहीं हो। और जो पुरानी पॉलिसी थी हाइड्रोकार्बन को लेकर जिसका नाम था NELP, उसमें क्या होता था प्रॉफिट शेयर होता था कि प्रॉफिट होता है तब आप गवर्नमेंट से शेयर करो। तो होता क्या था इसमें नेल पॉलिसी में कि जो कंपनियां होती थी ना वो जानबूझ के सरकार को दिखाती थी कि देखो हमें तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, हम तो घाटे में जा रही हैं, तो इसलिए सरकार को इसमें लॉस होता था क्योंकि सरकार को उस रिवेन्यू नहीं मिल पाता था। इसलिए सरकार ने हेल्प पॉलिसी लाई कि भाई आपको प्रॉफिट हो या नहीं हो हमें नहीं पता, हम आपको जो भी रिवेन्यू मिल रहा है उस रिवेन्यू का हमें कुछ हिस्सा आपको प्रोवाइड करवाना होगा। तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।